हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की तरफ से यहाँ पर भर्ती की जा रही है। और ये जो भर्ती की जा रही है दोस्तों, ये यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल की पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती की जा रही है। टोटल इन्होंने वैकेंसीज निकाली गई हैं 245 यानी 245 यहाँ पर इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। और इन वैकेंसीज के लिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल की जो इन्होंने पोस्टें निकाली है, इसके लिए आपको सबसे पहले गेट 2022 एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा जो यहाँ पर गेट 2022 एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर अपीयर होंगे। और जो गेट 2022 का आपका एग्ज़ाम जो आप दोगे, उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस इन गेट 2022 यानी गेट 2022 में जो आप एग्ज़ाम दोगे, गेट 2022 का जो आप एग्ज़ाम दोगे, उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस होगी, उसी बेसिस पे दोस्तों द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर, यानी कि उसी बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। किसके लिए दोस्तों? ग्रुप डिस्कशन के लिए और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। यानी कि सबसे पहले जो भी आपकी गेट 2022 में परफॉर्मेंस होगी, उसी बेसिस पर फिर आपका नेक्स्ट जो है ग्रुप डिस्कशन रहेगा और पर्सनल इंटरव्यू रहेगा फॉर सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन के लिए, इस पोस्ट के लिए, इन पोस्टों के लिए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर नीचे यहाँ पे पोस्टों की डिटेल्स दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि जो पोस्टें निकाली गई है ये टेंटेटिव निकाली गई हैं, यानी कि ये जो पोस्टें हैं अभी इंक्रीज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, इसीलिए इन्होंने टेंटेटिव लिखा है, ठीक है। अभी के टाइम पर इन्होंने टोटल जो है 245 यानी 245 यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल की, ठीक है। नीचे दिए गए यहाँ पे डिसिप्लिन है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 65 पोस्टें रखी गई हैं, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए 52 वैकेंसीज रखी गई हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 59 वैकेंसीज रखी गई हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 13 वैकेंसीज रखी गई हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए 26 वैकेंसीज रखी गई हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 14 वैकेंसीज रखी गई हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 16 वैकेंसीज रखी गई हैं, ठीक है। अब आपको इन पोस्टों के लिए किस तरीके से, ये जो मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल की पोस्टें हैं, इसके लिए आप किस तरीके से आपको अप्लाई करना है दोस्तों, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा www.sale.co.in। तो इस पर जाने के बाद आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि यहाँ पर भी इन्होंने पब्लिश्ड किया हुआ है, आल्सो पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी इन्होंने पब्लिश्ड किया हुआ है इसको, ठीक है। और रोज़गार समाचार में भी यहाँ पर इसको इन्होंने पब्लिश किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होके यहाँ पे आप देख सकते हैं द कैंडिडेट वुड नीड टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि इसके लिए आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करना है, ठीक है। इन पोस्टों के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी की जो पोस्ट, मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल की जो पोस्टें यहाँ पे सेल ने निकाली हैं, इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो वेबसाइट दी गई है www.sale.co.in, तो इस पर जाने के बाद आपको ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पर डेट दी गई है कि कब से यहाँ पर इसके लिए, ये जो पोस्टें हैं इसके लिए फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो 3/11/2022 से फॉर्म लगने स्टार्ट हो चुके हैं और 23/11/2022 तक आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।